नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, यहां पर हम आज बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आर ओ की जो रिक्रूटमेंट है ऑलरेडी चल रही है, प्रोसेस में है और उसके एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका वो एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि वहाँ पर लगभग मैंने कट ऑफ के बारे में भी आपको बताया था कि अगर आपके 150 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जो है एग्ज़ाम आपका निकल सकता है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा और आप यहाँ पर टाइपिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसी यहाँ पर उम्मीद दिख रही है। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है, पिछली बार जो पेपर आया था आर ओ का, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि आर ओ का पेपर आया था पिछली बार और उसमें कट ऑफ हालांकि बहुत ज़्यादा गई थी और वैकेंसी भी इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इस हिसाब से ये बताया जा सकता है कि आपकी कट ऑफ थोड़ा सा उससे स्लाइड कम जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप 150 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, 150 प्लस बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी जो टाइपिंग है उसको जारी रखें और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो यदि दोस्तों यहाँ पर उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के बारे में। ये दोस्तों भर्ती कब आ रही है, कब तक आने के इसके चांसेज हैं, कितनी भर्ती आएंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ कि जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ऑलरेडी आपको न्यूज़ यहाँ पर मिल रही होगी और कि इसकी जो इलाहाबाद है ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती जल्द आने वाली है, और कुछ लोग तो यहाँ पर बता रहे थे कि फरवरी में इसकी जो भर्ती है वो आ जाएंगी। तो मुझे जो यहाँ पर अपडेट प्राप्त हो रही है, उस अपडेट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती है, ये इसके जो आने के चांसेस हैं, ये दोस्तों मार्च में भर्ती आने के चांसेस हैं। मार्च के लास्ट तक यहाँ पर ये भर्ती जो है आने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसी मुझे जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है, आपकी जो भर्ती है मार्च के लास्ट तक यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इसमें जो है अगर ग्रुप सी की बात करते हैं, तो ग्रुप सी में जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश और मैथ्स ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको इंग्लिश कुछ थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जीके तो सब में ही रहता है, कॉमन रहता है, जीके भी अच्छे से प्रिपेयर करें, इंग्लिश और मैथ को भी अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप जो है इसमें अच्छा सा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अमाउंट में भर्ती यहाँ पर आने वाली हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो भर्ती हैं ये मार्च लास्ट तक आ जाएंगे, और लगभग कितनी भर्ती यहाँ पर आने के चांसेस हैं, कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सी और प्लस डी इन दोनों को मिलाकर, तो ये लगभग 2500 के आसपास यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। जी हाँ, यहाँ पर लगभग 2500 के आसपास यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों को मिलाकर। तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट में आपकी वैकेंसीज हैं, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें कि यहाँ पर अच्छी भर्ती है और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं ग्रुप सी की केवल कितनी भर्ती यहाँ पर बन रही है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, तो जो ग्रुप सी की केवल भर्ती है ये लगभग 1500 पोस्ट के आसपास यहाँ पर रहने वाली हैं। ग्रुप सी की अगर केवल बात करते हैं, तो लगभग 1500 पोस्ट के आसपास भर्तियाँ रहने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की यहाँ पर अपडेट्स। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जल्द ही आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, और बहुत सारी वैकेंसीज इस ईयर आने वाली हैं। जैसे कि आपकी लेखपाल की भर्ती भी लगभग 11000 के आसपास भर्ती आने वाली हैं यूपी ट्वेल्सी की तरफ से। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इस बार जो अवसर आपको मिलेंगे वो शायद इतनी जल्दी फिर दोबारा ना मिले। तो इसी दोस्तों, यहाँ पर आपकी आज की अपडेट, मिलते हैं इसी तरह के अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।